अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो जी, सबको जुम्मा मुबारक हो। आज है फ्राइडे, तो अभी जो है बस हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया है, और नाश्ता वगैरह करके मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए हैं, तो फिर मैं बस शॉवर लेके बस छूँ आती हूँ, और फिर हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर मैं आ जा रही हूँ मम्मा लोगों की तरफ। और वहाँ की रूटीन होगी, क्या क्या रूटीन होगी वो तो आप लोगों को आके देखने को मिल ही जाएगा। तो जी बस हम जल्दी से जो है अभी शॉवर लेते हैं, और फिर हम आपसे मिलती हूँ। सो जी बस जो है मैंने जल्दी जल्दी जो है कपड़े प्रेस कर लिए थे, क्योंकि जुम्मे का टाइम हो रहा था, तो मैंने भी फ्रेश भी होना था, तो मैंने कहा मैं पहले जो है जल्दी से अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, और हस्बैंड साहब के कपड़े प्रेस किए थे, तो बस फिर हम लोग जो है जुम्मा जी, तो बस जो है मैं भी फ्रेश हुई हूँ, और फ्रेश होने के बाद जो है हम जो है अभी नमाज़ पढ़ते हैं, और नमाज़ पढ़ के फिर हम निकलते हैं मामा की तरह। तो आज मैंने पिंक ड्रेस पहने में देख। सो जी ये रहा, और बाकी मैंने बेड सेट कर दी है, तो अभी जो है फर्श वगैरह साफ ही था, तो मैंने कहा मैं बाकी आके करूँगी। अभी कपड़े प्रेस किए हैं, ये मैंने अंदर रखनी है, और ये मेरा छोटू सा बैग, ठीक है आप उस तरीके से जानते होंगे। बस यहाँ पे जो है बस हम लोग निकल गए थे मामा लोगों घर की तरफ, और यहाँ पे मैंने कहा मैं थोड़ी वीडियो शूट कर लेती हूँ। और फिर जब हम वहाँ पे पहुँचे थे, तब अब्दुल्ला लोग भी आ गए थे, तो फिर यहाँ पे जो है मामा आयशा को खीर खिला रही थी, तो साथ चना चाट बनाई थी, और खीर जो है ये देखें ईशा को तो देखें ज़रा, और ये जी खीर पे जी सिंपल तड़के वाले चावल थे, साथ कबाब थे, साथ चिकन का सालन था, और साथ क्या था रायता सैलड वगैरह सब चीज़ें। टाइम हो रहा है आप देख सकते हैं 10:15, तो अभी जो है मैं वापस आई हूँ, और खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था, तो बस अभी जो है मैं रेस्ट करूँ। इतनी ज़्यादा ठंड है, गर्मी घर में आई हूँ, गर्मी लग रही थी भाई, बहुत ठंड थी। और बस अभी आई थिंक सो यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का कर दूँ एंड। कुछ ख़ास रूटीन नहीं थी, मीन्स कि ख़ास थी मतलब कि मैंने इतना कैप्चर नहीं किया, क्योंकि जब गेट टुगेदर होता है तो फिर पता है आप कैप्चर करना भूल जाते हो, आपकी बातें ही नहीं ख़त्म होती, तो मेरा भी यही हिसाब था। तो वो सिस्टर आई हुई थी, तो उनके बच्चे थे, तो बस उन्हीं के साथ मेरा पूरा टाइम स्पेंड हुआ है, बस बाकी मामा लोगों के साथ नानों के साथ टाइम स्पेंड हुआ है। तो इतने में मुझे वीडियो बनाने की याद नहीं रही, लेकिन जितनी हो सके मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ठीक है। अभी मैं रूम में आई हूँ, शुक्र है रूम की हालत ठीक है। बस अभी मैं जो है बेड पे चढ़ने लगी हूँ, और मैं व्लॉग एडिट करूँगी कल की। मैंने वो जो बनाया था चिकन वेज पुलाव, उसकी मेरे पास रेसिपी पड़ी है, तो देखूँगी वो अपलोड कर दूँगी एडिट करके, या फिर ये वाला व्लॉग अपलोड कर दूँगी, तो देखते हैं। तो बाकी अभी मैं व्लॉग का एंड नहीं करती, कुछ और हुआ तो फिर और आपके साथ शेयर कर लूँगी, बाकी जो है मैं फिर एंड कर दूँगी। जो है हस्बैंड साहब फ्रूट ले आए थे, तो सब फ्रूट्स थे, बनाना, अंगूर, एप्पल और अनार वगैरह सब चीज़ें थी। तो फिर जो है हमने रात को चाट वगैरह बना ली, तो फिर बस मैं अपने व्लॉग का कर दूँगी एंड। जो है हम चाट वगैरह खा के फ्री हुए हैं, तो अब जो है मैं अपने व्लॉग का करने लगी हूँ एंड। और जो है अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बरसाएं। और अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।